हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपके एग्जाम में जो यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो नीचे जो आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, आप उसे ज़रूर दबा लीजिएगा। और बगल में ही जो आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको डेली जो है रेलवे ग्रुप डी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूं। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि IMF का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि IMF का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, और इसको जो हिंदी में कहते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहा जाता है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों कि IMF का जो है मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये Washington DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो ये भी आपको याद रखना है। और IMF की जो स्थापना की गई थी ये 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को किया गया था, तो आपको इसे भी याद रखना है। और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों रियल में, तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताना कि IMF के जो वर्तमान में CEO कौन है। ठीक है, CEO का जो फुल फॉर्म होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, तो आप इसे जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि सोडियम को जो है किस में डुबो कर रखा जाता है, तो देखिए सोडियम को जो है ये किरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, तो किरोसिन का तेल जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे अगर कोई भी आदमी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सोडियम को जो है किरोसिन के तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि जो ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, और जिस कारण जो है ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही तुरंत जलने लगता है, तो यही एक रीज़न है कि सोडियम को जो है किरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो किरोसिन का तेल जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी ऐसी वस्तु मतलब पदार्थ है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन दे देता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा ऐसा है जिसे चाकू से इजीली काटा जा सकता है, तो सोडियम को जो है इजीली काटा जा सकता है। उसके बाद है पीले फॉस्फोरस को जो है किस में रखा जाता है, तो पीले फॉस्फोरस को जो है ये जल में रखा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दिया सलाई यानी मैच बॉक्स के निर्माण में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो मैच बॉक्स के निर्माण में जो है ये लाल फॉस्फोरस का जो है प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो है रिक्टर पैमाना यानी रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, तो रिक्टर पैमाना जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप मापा जाता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता जो है ये रिक्टर स्केल से मापी जाती है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना इन दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि लाइकेन जो है ये किसके सूचक माने जाते हैं, तो देखिए ये जो लाइकेन है ये वायु प्रदूषण का जो है सूचक माना जाता है, तो वायु प्रदूषण जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों कि लाइकेन जो है थैलोपाइटा प्रकार की वनस्पति है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइकेन जो है ये किस प्रकार की वनस्पति है, तो थैलोपाइटा प्रकार का जो है ये वनस्पति है। और ये जो है किससे मिलकर बना होता है, ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि लाइकेन जो है ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये जो है कवक यानी फंगाई तथा सैवाल यानी एल्गी से मिलकर जो है ये बना होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और लिटमस पत्र पर जो है किसके प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस पत्र पर जो है ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि पित्त यानी बाइल रस जो है ये कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्त यानी बाइल जो आपका रस स्रावित होता है ये यकृत यानी लीवर से स्रावित होता है, तो यकृत जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पित्त जो है ये यकृत से स्रावित होता है तथा इसका जो पित्ताशय
ये कहाँ पर जमा रहता है, तो गॉल ब्लैडर में जो है जमा रहता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चंस पूछा जाए कि पित्त जो है कहाँ पर जमा रहता है, तो गॉल ब्लैडर में जमा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो प्रमस्तिष्क होता है, जिसको इंग्लिश में जो है सेरेब्रम भी कहा जाता है। तो प्रमस्तिष्क जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों कि मस्तिष्क का जो सबसे विकसित भाग कौन सा होता है, तो मस्तिष्क का जो सबसे विकसित यानी डेवलपमेंट भाग होता है वो सेरेब्रम होता है, तो आपको इसे भी जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि वीवो के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो देखिए आपके हर एग्जाम में जो है ग्रुप डी के एग्जाम में एक क्वेश्चन से आपके ब्रांड एम्बेसडर या फिर सीईओ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीवो के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आमिर खान है, तो आमिर खान जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है, तो शरीर की जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है ये जबड़े की अस्थि होती है, ठीक है। तो जबड़ा जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों टीबिया तथा फिबुला नामक हड्डी जो है ये किस में पाई जाती है, तो टीबिया तथा फिबुला नामक जो ये हड्डी है ये टांग में पाई जाती है, तो आपको इसे भी याद रखना है। और शरीर की सबसे लंबी या बड़ी हड्डी कौन सा होता है, ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो शरीर का जो सबसे लंबी या बड़ी हड्डी होता है जो कि फीमर होता है, जो कि जांघ की हड्डी में पाई जाती है, तो फीमर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें मनुष्य शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो मनुष्य यानी मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है ये अस्टेपिस होता है, तो अस्टेपिस आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कान की हड्डियों में पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि आवृत्ति का मात्रक यानी यूनिट क्या होता है, तो देखिए आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, तो हर्ट्ज जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि मैत्री युद्धाभास जो ये किन दो देशों के बीच हुआ है, तो मैत्री जो युद्धाभास हुआ था वो भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था, तो भारत और थाईलैंड जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो थाईलैंड का जो राजधानी है ये बैंकॉक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो जीके जीएस में आपका जो है जनरल साइंस के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो आप जो है जनरल साइंस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा और आपके करंट अफेयर से जो है 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो आप ये दोनों में जो अगर आप जीके जीएस की अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो ये दोनों पे आपको पकड़ होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि युग पुरुष भारत रत्न अटल जी पुस्तक के लेखक कौन है, तो युग पुरुष भारत रत्न अटल जी का जो पुस्तक के लेखक है ये रमेश पोखरियाल निशंक है, तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए दोस्तों कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है भारत रत्न अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है भारत रत्न अवार्ड से 2015 ईस्वी में सम्मानित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि राणा प्रताप सागर बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है, तो राणा प्रताप सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन से राज्य में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये राजस्थान राज्य में स्थित है। और इसके अलावा जो बांध दोस्तों आपको याद रखना है, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध तथा राणा प्रताप सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर स्थित है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, तो रेटिनॉल जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमिन होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है,
तो ये भी आपको याद रखना है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइनोकोबालमिन होता है, तो आपको इसे भी याद रखना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्यूलोक्विनोन होता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि विटामिन से भी जो है ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो देखिए कनाडा की जो राजधानी है ये ओटावा है, तो ओटावा जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में है? तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये असम राज्य में है, जो कि असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर है। तो आपको इसे भी याद रखना है, तो असम जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए दोस्तों कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो आपको इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि आपका कौन से राज्य में है? जो कि आपका उत्तराखंड राज्य में है, तो आपको इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि त्रिक के नियम का जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए त्रिक के नियम का जो प्रतिपादन किए थे ये डॉब रेनर ने किया था, तो डॉब रेनर जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो अष्टक नियम का जो प्रतिपादन है ये न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया था, तो आपको इसे भी याद रखना है। आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? तो आवर्त सारणी का जो प्रतिपादन है ये मेंडेलीफ ने किया था, तो आपको इसे भी याद रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी का जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो प्रतिपादन ये मॉसले ने किया था, तो आपको इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि फ्यूज तार जो ये किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो फ्यूज का जो तार होता है ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी इंग्लिश में जो इसको सीरीज बोलते हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम को। तो श्रेणी क्रम जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फ्यूज तार जो ये किसका मिश्र धातु का बना होता है? तो ये भी आपको याद रखना कि फ्यूज तार जो है ये टीन, जिसका सिंबल SN होता है, और सीसा जिसका सिंबल PB होता है, तो टीन और सीसा का जो है ये मिश्र धातु होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि फीफा विश्व कप 2018 में जो गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया था? तो फीफा विश्व कप 2018 में जो गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया था ये हैरी केन को दिया गया था, तो हैरी केन जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि NaHCO3 का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो NaHCO3 का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों कि IMF का जो है वो CEO वर्तमान में कौन है, ये क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि जो भी अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें ज़रूर ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ जो आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो है देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।